Hello, very good morning to everyone. This is Dr. Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College, Uthai. Friends, this is for MSc 3rd SEM, Paper 1, Unit 1. I have brought very, very interesting and a comic topic for you. This is very different. I think you will thoroughly enjoy it. क्योंकि ये जो monkeys हैं ये अपनी खूबसूरत और बड़ी ही innocent उछल कूद से वैसे भी हमारा दिल मोह लेते हैं. टॉपिक है old world and new world monkeys. कभी नहीं सुना होगा ना. चलिए आज देखते हैं. geographic distribution देखिए आप, new world primates and old world primates. क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ बहुत पहले आए थे और न्यू वर्ल्ड मंकीज़ बाद में आए हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इस पिक्चर को याद रखिए, कहाँ फैले हुए हैं ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ और न्यू वर्ल्ड मंकीज़. सब प्राइमेट्स हैं. प्राइमेट्स जानते हैं ना क्या होते हैं? ये क्लास मैमेलिया का सबसे बेहतरीन ऑर्डर है, प्राइमेटा. यानी जो प्राइम, जो सुपीरियर मोस्ट होते हैं, दे आर प्राइमेट्स. मैं ऐसा कहने का दुस्साहस इसलिए कर रही हूँ कि होमो सेपियंस आर प्राइमेट्स, एप्स आर प्राइमेट्स, सो आर मंकीज, चिंपैंजीज, ओरांगुटांग, बेबून, गोरिल्लास, दे आर ऑल कैप्ट इन ऑर्डर प्राइमेटा. रीज़न फॉर नेमिंग ऑफ मंकीज़. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ मतलब बहुत पहले आए, न्यू वर्ल्ड मंकीज़ जो बाद में आए, यानी कंपेरेटिवली जो रीसेंट हैं. अभी देखिए इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने से पता चलेगा कि अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये इन कॉन्टिनेंट्स में जिन्हें ओल्ड वर्ल्ड माना जाता है, कंपैरेटिवली ये ज़्यादा पुराने हैं. यहाँ पर जो मंकीज़ पाए जाते हैं वो कहलाते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़. चूँकि ये पुराने कॉन्टिनेंट्स मतलब बहुत एंशियंट हैं, ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया. और कंपैरेटिवली न्यूअर कॉन्टिनेंट्स यानी जो बाद में बने होंगे, ज्योग्राफिकल उथल पुथल के बाद जो कॉन्टिनेंट्स बने वो हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज. उन्हें न्यू वर्ल्ड मंकीज़ कहते हैं और ये बाद में बने, ये एरियाज़ बाद में बने. और यहाँ पर पाए जाने वाले मंकीज़ को न्यू वर्ल्ड मंकीज़ कहते हैं. ओरिजिन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज़ इन दिस अर्थ. 40 मिलियन साल पहले सेमिनीफॉर्म्स इंफ्रा ऑर्डर दो पार्व ऑर्डर्स में बट गया. ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, मैंने कहा इंफ्रा ऑर्डर और पार्व ऑर्डर्स. सेमिफॉर्मीज इंफ्रा ऑर्डर, ये ऑर्डर प्राइमेटा में है और ये टूटा पार्व ऑर्डर में. ये दो नाम मिले, ये दो पार्व ऑर्डर्स हुए, प्लैटीराइनी और कैटाराइनी. प्लैटीराइनी यानी फ्लैट नोज वाले बंदर, और ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका इत्यादि. ये हैं फ्लैट नोज मंकीज़. और कैटाराइनी ये वो एप्स हैं जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हैं और ये पाए जाते हैं अफ्रीका में. ओरिजिन देखिए, प्लैटीराइनी ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज़ हैं जो साउथ अमेरिका और में करीब तकरीबन 40 मिलियन साल पहले आए, और सेमिफॉर्मिस इंफ्रा ऑर्डर दो पार्व ऑर्डर्स में टूट गया. प्लैटीराइनी न्यू वर्ल्ड मंकी और कैटाराइनी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़. कैटाराइनी में एप्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ आते हैं. इनकी नाक नीचे की ओर डाउनवर्डेड रहती है. पार्व ऑर्डर्स आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, इंफ्रा ऑर्डर तो आपने सुना है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में,
ऑर्डर के बाद इंफ्रा सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर ये सब आते हैं, और इंफ्रा ऑर्डर के बाद और सुपर फैमिली के ऊपर जो हियरार्कियल स्टेप है उसे कहते हैं पार ऑर्डर। आपको टैक्सोनॉमिक कीज मालूम है ना, उसमें ये शब्द आपको मिलेगा। पार ऑर्डर सुपर फैमिली के ऊपर रखा जाता है और इंफ्रा ऑर्डर के नीचे रखा जाता है। सो मंकीज आर अरेंज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर कैटराइनी, अफ्रीका में मिलने वाले, एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज आर प्लैटिराइनी, या कह सकते हो आप चपटी नाक वाले बंदर। ये मिलते हैं साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका इत्यादि में। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। ये हैं प्लैटिराइनी, नाक उनकी चपटी दिख रही है। ये चपटी नाक वाले बंदर न्यू वर्ल्ड मंकी कहला रहे हैं, और इनकी 5 फैमिलीज हैं। इन 5 को प्लैटिराइनी में रखा गया है। ये साउथ सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के घने जंगलों में पाए जाते हैं। वे रेन फॉरेस्ट, यहाँ बहुत बारिश होती है। द माइग्रेशन कुड हैव अकर्ड ड्यू टू राफ्ट ऑफ वेजिटेशन और वाया लैंड ब्रिजेस। समय के साथ ये चले गए होंगे सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका या मैक्सिको में, किसी भी तरह से गए होंगे, किसी राफ्ट के ऊपर बैठ के बहते हुए चले गए होंगे, या मार्क से, टेरेस्ट्रियल रोड से, ब्रिजेस के द्वारा वहाँ पहुँच गए होंगे। अब इनका फॉसिल रिकॉर्ड बताता है कि ये 30 से 40 मिलियन साल पुराने हैं, जैसे स्पाइडर मंकीज, स्क्विरल मंकीज, मार्मोसेट्स, कैपुचिनी एंड साकीज। दीज आर एंडेंजर्ड, मतलब इनकी स्पीशीज़ अब ख़तरे में है। कारण वही मानवीय हरकतें, डिफॉरेस्टेशन, अपने फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कहाँ जाएंगे। तो जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ का अस्तित्व है वो ख़तरे में पड़ रहा है। ये कुछ न्यू वर्ल्ड मंकीज़ हैं जो प्लैटिराइनी हैं। सब की नाक चपटी है, लेकिन सबकी आपको पूँछ दिख रही है, प्रीहेंजाइल, बहुत बड़ी पूँछ दिख रही है आपको इनमें। ये बड़ी पूँछ इनकी तीसरी टांग का काम कर, 5वीं टांग का काम करती है, क्योंकि ये आर्बोरियल है, लटकते हैं। देखिए एक ने तो कैसे एक डाल को भी पकड़ा हुआ है, और ज़्यादातर की पूँछें लटक रही हैं। सो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्रीचर्स एंड लवेबल क्रीचर्स। टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, इनकी आपको 5 फैमिलीज दिख रही हैं। इन 5 ने मिलकर बनाया है सेबॉयडी, द ओनली एक्सटेंट सुपर फैमिली इन द पार्व ऑर्डर प्लैटिराइनी। तो पार्व ऑर्डर प्लैटिराइनी या फ्लैट नोज्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज में ऐसे आपको 5 फैमिलीज दिख रही हैं, कैलिट्रैकिडी, सेबिडी, एओटीडी, पिथेसिडी एंड एटिलिडी। नाम काफ़ी कठिन है, लिख लिख के याद कीजिएगा, लिख कर बोल कर इन्हें याद कर सकते हैं आप। इनका विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन। द क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ द एंसेस्टर स्पीशीज अपीयर्स टू हैव बीन 2x बराबर 54। इट मींस देयर डिप्लॉयड नंबर वाज, डिप्लॉयड नंबर 2x, इनका नंबर था 54, और होमोसेपियंस में कितना है, 46। तो इन एक्सटेंट स्पीशीज द 2n वैल्यू वेरीज फ्रॉम 16 इन टीटी और टाइटी, कुछ भी कह सकते हैं आप, टीटी मंकीज, 262 इन वूली मंकीज। तो ये है इनका एवोल्यूशनरी क्रोमोसोम्स कंटेंट, किस तरह से इनका वेरीड दिख रहा है, वेरिएशन कैसे आया। तो जनरल इसमें आपको दिखेगा, एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ में दिखा 54, और अब ये 16 से लेकर 62 तक आपको दिख रहा है, और 5 फैमिलीज इस पाव ऑर्डर में आपको दिखी। न्यू वर्ल्ड मंकीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दे हैव वाइड स्पेस्ड फ्लैट नॉस्ट्रल्स, हेंस नेम्ड प्लैटिराइनी। अगर हम हमारी चलती भाषा में या समझने बूझने की भाषा में बात करें तो चपटी नाक वाले बंदर, जिनके एक नॉस्ट्रल दूसरी नॉस्ट्रल के बीच में काफ़ी गैप है,
उसे कहते हैं प्लैटी राइनी. प्लैटी माने फ्लैट, राइनी माने नोज, फ्लैट नोज. आर्बोरियल है. हम हमेशा से जानते हैं कि ये प्राइमेट्स बंदरों की जाति हमेशा पेड़ों पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती रहती है. वहीं उनका घर होता है, वहीं उनको भोजन मिलता है, वहीं उनकी जीवन की सारी क्रियाएं होती रहती हैं. वहाँ भोजन, नींद, फिर रिप्रोडक्शन, हर चीज़ वो आर्बोरियल लाइफ में ही परफॉर्म करते हैं. वो छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं ये, और इनमें लंबी प्रीहेंजाइल टेल होती है जो पांचवी टांग की तरह काम करती है, और जब इन्हें किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो इसी के सहारे वो लपेट लेते हैं. दे डू नॉट हैव चीक पाउचेस एंड बटक पैड्स आइदर. इनके आपको पाउचेस नहीं मिलेंगे ना चीक पर और ना ही हिप रीजन पर, क्योंकि इनको बैठना नहीं है. कूदते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लटकते रहते हैं ये, तो बैठने के लिए कोई सीट डेवलप नहीं है. चलिए ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ की दुनिया में चलते हैं. ये हैं कैटराइनी. ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ वर ओरिजिनेटेड अबाउट 40 मिलियन ईयर्स अगो. उनका फॉसिल है 20 से 22 मिलियन साल पहले का मिला है. और ये कैटराइना का मतलब लैटिन भाषा में है डाउनवर्डेड नोज, नीचे की ओर झुकी हुई नाक. दे हैव डाउनवर्डली पॉइंटेड नॉस्ट्रल्स. और प्लैटीराइनी कैसे थे? फ्लैट नोज थे. दे इनहैबिट इन अफ्रीका एंड एशिया. अफ्रीका और एशिया बनिस्बत या कंपैरेटिवली काफ़ी पुराने कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं. इसीलिए इनको कहा गया ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. देयर होम्स इज ट्री एज वेल एज ग्राउंड. प्लैटीराइनी पूरी तरह से आर्बोरियल यानि पेड़ों पर उछल कूद मचाने वाले होते हैं, तो ये कैटराइनी ज़मीन पर भी रहते हैं. इसीलिए इनका, अब इनकी हाइट भी देखिए, मीडियम से थोड़े बड़े होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं. और अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये न्यू वर्ल्ड मंकी से डेफिनेटली बड़े होते हैं. टेल इज़ देयर बट नॉट प्रीहेंजाइल. अभी इनके चित्रों में आप देखिएगा, इनकी टेल तो है लेकिन नॉट लाइक प्लैटीराइनीज. हाइंड लिम्स ज़्यादा लंबे हैं उनके फोर लिम्स से. अगर आप इनमें ओरांगउटांग को देखेंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा. बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है कोई मनुष्य, बहुत ज़्यादा बालों वाला मनुष्य खड़ा हुआ है. उसकी टांगें बहुत लंबी होती है और हाथ छोटे होते हैं. नेल्स एंड टोज आर फ्लैटेंड, जैसे होमो सैपियंस के नोज, नेल्स और टोज बिल्कुल फ्लैट रहते हैं. लगभग वैसा ही इनका भी होता है. दे हैव प्रोमिनेंट बटक पैड्स, जबकि प्लैटीराइनी में आपको हिप पैड्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनको बैठने की ज़रूरत नहीं थी. ये बैठते हैं ज़मीन पर, इसीलिए इनके हिप पैड्स डेवलप हो गए. ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर टैक्सोनॉमिकली कॉमन नेम इन इंग्लिश फॉर अ फैमिली ऑफ प्राइमेट्स नोन एज द सिरकोपिथेसिडी. दे बिलोंग टू एपीज एंड ह्यूमंस. बहुत करीब हैं हमारे, बहुत करीब. ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर वेरी नियर एंड डियर टू मॉडर्न प्राइमेट्स. दे कंप्राइज ऑलमोस्ट ऑफ 132 स्पीशीज. ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर लंगूर्स, मैकैक्स, बेबून्स और भी हैं, ओरांगउटांग, ये सब चिंपैंजी, बेबून्स, गिबन्स एट्सेट्रा, बनबू, ये सब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में आते हैं. There are approximately 22 species of apes, including gorillas, orangutans, chimpanzees, bonobos, gibbons, and so much so humans. मैंने कहा ना, बड़े करीब हैं ये हमारे. Oh, enjoy some catarrhines. देखिए कितनी मासूमियत से आपकी तरफ देख रहे हैं. और ये रहे, इनकी टेल उतनी लंबी नहीं है, प्रीहेंजाइल तो नहीं है. वाई डिफरेंट, इनमें अंतर क्यों है? बबून ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं, इनमें हिप पैड्स हैं. ये जो रेड कलर का एरो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, आप कारण समझ सकते हैं. ये ज़मीन पर बैठे हुए हैं, बैठने के लिए पैड्स की ज़रूरत है, इसीलिए नेचर ने इनकी सीट पर पैड डेवलप किए हैं. जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज आर्बोरियल थे, उन्हें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है.
सो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ लैक द बट पैड, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में ये बट पैड्स होते हैं. तो रीज़न बहुत साफ दिया हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ टेरेस्ट्रियल लिविंग एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज़ आर प्राइमरीली मोनोगैमस. अब इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखिए, ये न्यू वर्ल्ड मंकीज़ मोनोगैमस होते हैं, यानी इनकी फैमिली में एक मेल एक फीमेल एक ही होती है और ये दूसरे मेट्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं. इट इज़ देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. अब ये मैंने कुछ अंतर आपको एक टेबल के फॉर्म में दिया है, आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं. इनका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ अफ्रीका में और एशिया में हुए, तो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ अमेरिकाज में. तो आप देखिए, चूँकि जो कॉन्टिनेंट्स पहले से हैं वहाँ बसने वाले बंदर हैं ओल्ड वर्ल्ड, और जो बाद में बसे उनका नाम है न्यू वर्ल्ड मंकीज़. ये बंदर सभी पहले से हैं, लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स पहले या बाद में ज्योग्राफिकल हलचल के कारण बने हैं. इनका बॉडी साइज़ मीडियम टू लार्ज है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ का, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज़ का स्मॉल टू मीडियम है. नोज़ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में नाक नीचे की ओर डायरेक्टेड है, जबकि न्यू वर्ल्ड यानी प्लैटिराइनी में फ्लैट नोज है विद नॉस्ट्रल्स फेसिंग साइडवेज. टेल नॉन ग्रास्पिंग है ओल्ड वर्ल्ड में, अभी आपने चित्रों में भी देखा था. और इस्चियल कैलोसिटीज़ जिसे सिटिंग पैड्स, जिसे आपने हिप पैड के नाम से जाना, उसे आप जूलॉजिकली या लाइफ साइंसेस में या मेडिकल टर्म में इसके लिए कहा जाता है इस्चियल कैलोसिटीज़. तो टेल नॉन ग्रास्पिंग है, बटक पैड्स ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में नहीं है, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में टेल प्रीहेंजाइल है और इनमें कोई सिटिंग पैड्स नहीं है न्यू वर्ल्ड मंकी में. टेक 8 प्रीमोलर्स वेरज इन प्लैटिराइनीज इट इज़ 12. न्यू वर्ल्ड में 12 प्रीमोलर्स हैं. तो इससे साफ पता चलता है कि ये हर्बीवोर्स हैं. ये जाहिर से बात है, पेड़ पौधों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर लटकते हैं, तो इनको वेजिटेशन के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है. तो इसीलिए इनके दांत भी किस तरह के हैं, चबाने वाले दांत हैं. 8 प्रीमोलर्स एंड न्यू वर्ल्ड में है 12 प्रीमोलर्स. हैंड्स ऑपोजिबल थम्स, फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स इनमें पाए जाते हैं, जबकि न्यू वर्ल्ड में क्या पाया जाएगा, थम इज इन सेम प्लेन एज अदर डिजिट्स. ईयर्स कैसे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू बोनी ट्यूब और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टेड बाय बोनी रिंग. हैबिटेट, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ का वाइड रेंज है, मोस्टली ऑन ग्राउंड्स, टेंडेंसी फॉर सिंगल मेल यानी दे आर मोनोगेमस. पॉलीगेमस, सिंगल मेल मल्टी फीमेल. सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक मेल कई फीमेल्स के साथ मेटिंग कर सकता है, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ की खासियत है, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में सिंगल फीमेल एंड मल्टी मेल यानी पॉलीगाइनेंड्री मिलेगी आपको न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में, और पॉलीगेमी मिलेगी आपको ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में. दे आर नॉट मोनोगेमस. नो, मोनोगेमी मतलब जहाँ सिंगल पार्टनर होता है, और पॉलीगेमी मतलब जहाँ एक से अधिक पार्टनर होते हैं इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इन इन्फेंट केयर, मेल्स कैरी रेयरली कॉन्ट्रीब्यूट, यानी हर जगह जैसा प्राइमेट्स में खासकर ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स प्रीडोमिनेंटली केयर देयर चिल्ड्रन. तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में मेल्स बच्चों को पालने में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनके भरण पोषण का ध्यान रखते हैं, उनके लिए फूड लाते हैं, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में मेल्स बच्चों का काफ़ी ख्याल रखते हैं. इनकी डाइट, दे आर ओमनिवोरस, फोरेजिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकी पूरी तरह से नट्स बेरीज पर रहते हैं और इंसेक्ट्स खा लेते हैं. तो दे आर हर्बीवोरस तो होते हैं, लेकिन इन्हें जो मिल जाए वही खाते हैं, इसीलिए इन्हें ओमनिवोरस बोलना
बेहतर होगा। ओमनीवोरस वो जो सब कुछ खा लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड मंकीज छोटे इंसेक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फल फूल झाड़ी ये सब पत्ते ये सब ज़्यादा खाते हैं, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ को अगर छोटे जीव भी मिल जाते थे तो वो खा लेते हैं। समरी, डिफरेंसेस बिटवीन न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। यहाँ चित्रों के साथ देखिए, न्यू वर्ल्ड मंकीज फ्लैट नोज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बड़ी सुंदर सी नाक है इनकी नीचे की और पॉइंटेड नुकीली नाक, फ्लैट वाइडली स्पेस नॉस्ट्रल्स न्यू वर्ल्ड में, जबकि यहाँ पर डाउनवर्डली पॉइंटिंग क्लोजली स्पेस नॉस्ट्रल्स। थ्री प्रीमोलर्स, 36 टीथ और इनमें सिटिंग पैड्स भी हैं। दे आर मोस्टली न्यू वर्ल्ड मंकीज, जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादातर ये आर्बोरियल होते हैं, फ्रुगीवोरस, ज़्यादातर फल फ्रूट पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्रुगीवोरस कहते हैं इसलिए इनको। और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ओमनीवोरस है। तो कहीं अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग टाइप का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन जनरल चीज़ एक ही है कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कैसे हैं, जिनकी नाक बड़ी डिस्टिंक्ट है और उनके नॉस्ट्रल्स पास पास हैं, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज में जिनमें चपटी नाक होती थी। तो थैंक यू वेरी मच। तो कुछ मंकीज आपको थैंक्स बोल रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू।